गाइस वेलकम बैक टू दी चैनल गाइस देसी नैप ब्लॉगिंग विद अनदर लाइफस्टाइल ब्लॉग। और अभी दोपहर के 3 बजने वाले हैं गाइस, और आज का जो ब्लॉग है ना हम दोपहर से शुरू करने वाले हैं। और साथ ही साथ आप लोग को मैं बता दूं आज का ब्लॉग बहुत ही ज्यादा शानदार और स्पेशल होने वाला है मम्मी पापा के लिए और हमारे लिए भी। एंड आई होप कि आप लोग को कारण बताने की जरूरत नहीं पड़ेगा गाइज, थंबनेल और टाइटल से आप लोग को पता चल गया होगा। और अभी क्या है ना, पापा और मम्मी के आज के स्पेशल दिन के लिए हम लोगों ने एक छोटा सा पार्टी अरेंज कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत अभी हम लोग कर रहे हैं। मतलब की अभी सजावट स्टार्ट नहीं हुआ, क्योंकि पार्टी तो शाम को होगी, तो ज्यादा पहले सजावटी स्टार्ट करते तो दिक्कत हो जाता। तो अभी 3 बज रहा है, तो अभी घर में सब सो जाते खा पी के। तो अभी भाई ने डिसाइड किया कि जो अरेंजमेंट है अभी हम लोग शुरू कर देंगे, ताकि शाम तक सरप्राइज दे सके। तो आप लोग देख सकते हो भाई अभी लगा पड़ा है। बाकी मैं आप लोग को सामान भी आज हमारा आ चुका, तो मैं आप लोग को एक बार सामान सारा दिखा देता हूँ। तो सारा मटेरियल जो है वो हमारा आ चुका था, हम लोगों ने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। तो आप लोग देख सकते हो ये बैलून है, इसका ये पहला सेट है और दूसरा सेट वहाँ पे रखा हुआ है। साथ ही साथ ये तीसरा सेट है, बैलून हार्ट शेप में है, और ये भी चौथा। मतलब कि बैलून का बहुत ज़्यादा सेट आ चुका है। और ये हमारा लड़ी है, जो कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे पहले से भाई ने लगाना स्टार्ट कर दिया है। और बाकी इसके साथ एक और सेट था, जो कि ये रहा, आप लोग देख लीजिए। तो ये पन्नी का है, हार्ट शेप में है, ये भी सेम है, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट होगा, और इसको हम लोग दिखाएंगे जब लगाएंगे। और साथ ही साथ आप लोग ये देख सकते हो नॉर्मली बैलून होता है, जो कि ये आपको हैप्पी एनिवर्सरी के साथ मिल जाएगा, और ये बोतल से बैलून है। और साथ ही साथ आप लोग स्प्रे देख सकते हो। तो ये स्प्रे ऐसा स्प्रे है ना, जिसको हम लोग स्प्रे करते समय धागा टाइप निकलता है, तो हम इसको भी दिखाएंगे। अभी के लिए तो बस इतना ही है। और साथ ही साथ लास्ट में आप लोग ये देख सकते हो, और इसके बारे में तो आप लोग जानते होंगे, रोज पेशेंट। तो चलिए सजावट स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे जल्दी और सबसे ज़्यादा बैलून फुलाने का रिकॉर्ड। सो फाइनली बैलून को हम लोगों ने फुला लिया है। एक्चुअली बैलून नहीं है, ये मैरिज एनिवर्सरी जो लिखा रहता है वो वाला बैलून है। और सच बताओ इतने बड़े बड़े लेटर्स है कि इसको अरेंज करने में बहुत दिक्कत होने वाला, और साथ ही साथ इसको सेट करने में भी है। सो फाइनली सारे लेटर जो है अरेंज हो चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। और इतने ज़्यादा बड़े बड़े हैं ना गाइस, इसको कहाँ सेट करना है कंफ्यूज हो रहा हूँ। फाइनली 4 घंटे की मेहनत के बाद हमारा जो डेकोरेशन है वो कंप्लीट हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं गाइस। बहुत ज़्यादा आज मेहनत लगा हुआ इसको डेकोरेट करते करते यार, मतलब कि एक तो नींद भी आ रही थी, और ऊपर से इसको कंप्लीट भी करना था। और जैसे तैसे हमने कंप्लीट किया है गाइस, आप लोग देख लीजिए। गाइस डेकोरेशन कंप्लीट तो हो गया है, बस यहाँ पे एक चीज़ की कमी है, वो है टिमटिम लाइट की। गाइस आपको पता होगा कलरिंग लाइट जो बर्थडे पार्टी या किसी भी सेलिब्रेशन के टाइम इस्तेमाल किया जाता है, हम भी इस्तेमाल करने वाले थे, हमने लगाया भी था, लेकिन अचानक वो खराब हो गया गाइस। तो उसी की वजह से मतलब लाइट की थोड़ी इफेक्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने एलईडी लाइट दोनों साइड यूज़ किया। आप लोग इस साइड भी देख सकते हो, और मे बी इस साइड भी आपको दिख गया होगा। तो हमें एलईडी लाइट को यूज़ करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा जो प्लान था ना, हमारा प्लान यही था कि हम लोग टिमटिम लाइट को इस्तेमाल करेंगे और ये दोनों एलईडी लाइट बुझा देंगे, जिससे और भी ज़्यादा इफेक्ट, डार्क इफेक्ट आता है। और डार्क इफेक्ट में टिमटिम लाइट का कलरिंग जब होता है ना, अलग अलग कलर्स, तो बहुत ही बेस्ट लगता है गाइस। लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, एक की वजह से हम अपना पूरा डेकोरेशन खराब नहीं कर सकते। बाकी अभी मम्मी पापा रेडी हो रहे हैं, और प्रोग्राम जो स्टार्ट होना है वो 8 o'clock से स्टार्ट होगा। तो अभी हमारे पास हाफ आवर है, तो चलिए रेडी हो जाने दीजिए, फिर अपना प्रोग्राम जो है स्टार्ट करते हैं। सच्चिया मोहब्बत निभावांगा, रांझिया मैं तेरा कहलावांगा। एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगा। सच्चिया मोहब्बत कहलावांगी। एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगी। इल्तिजा दिल दी है एक पहल इश्क की, होने दे दिल जानिए मैनू जी लैन दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत कहलन दे। दिल जानिए मैनू जी लैन दे, दो लफ्ज़ मोहब्बत कहलन दे। सच्चिया मोहब्बत निभावांगा, रांझिया मैं तेरा कहलावांगा। एक बारी दिल लग जाने दे, दिल दा करार बन जावांगा। तो खाना वाला निकल चुका, आप लोग देख सकते हो। और खाने में आज बहुत ही स्पेशल है गाइस, जैसा कि आपको पता है कि स्पेशल दिन स्पेशल खाना। तो खाने में क्या क्या है, गोभी और आलू की सब्जी है, छोला है, केक है जो कि मेरा फेवरेट है, और 2 समोसे, साथ ही साथ वेज बिरयानी और पूरी। खाना बहुत ज्यादा टेस्टी है गाइस, और साथ ही साथ खाने की जो आज वेरायटी है ना बहुत ज्यादा गाइस, मतलब की 1 या 2 वेरायटी नहीं है, उसके साथ साथ 5-5 वेरायटी है, मतलब की आप लोग सोच सकते। और मैंने क्या किया ना कि सारे वेरायटी को थोड़ा थोड़ा लिया है ताकि सब चीज को चख सकूँ, और ये मेरा थोड़ा आदत है हर खाने को चखने का। तो सारे खाने को लिया है और खाते हैं गाइस। और साथ ही साथ आज का पार्टी कुछ ज्यादा हाईफाई नहीं था, कारण है लॉकडाउन, क्योंकि हाईफाई पार्टी लॉकडाउन में करना अलाउड नहीं है। और अगर पार्टी अभी हाईफाई करते हैं ना तो कंप्लेन कोई भी कर सकते हैं बाहर से, तो पुलिस का ये केस उसका दिक्कत होता है। तो नॉर्मल पार्टी रखा था, किसी लोग को बुलाया नहीं था, नॉर्मल 2 लोग आए थे, मम्मी के जो फ्रेंड थे। बाकी यहाँ पे ज्यादा हंगामा भी नहीं हुआ था, नॉर्मल ही सारा निपट गया था। और साथ ही साथ अभी पार्टी का सारा ओवर होने के बाद सारा डेकोरेशन भी हट चुका, आप लोग देख सकते हो। इसी रूम में हमारा पार्टी जो था हुआ था, सारा डेकोरेट किया था, मतलब की 5 घंटे का मेहनत जो था वो आधे घंटे में सारा निकाल दिया। अभी आप लोग एक देख लीजिए बैलून कितना सारे है। तो वैसे आप लोग देख ले इतना ज्यादा बैलून निकला है ना कि आपको मैं क्या बताऊं। तो चलिए कोई नहीं, अभी खाना पे खाते हैं। बहुत ज्यादा लेट भी हो गया है, एडिटिंग भी करना गाइस। आई डोंट नो एडिटिंग कैसा होने वाला गाइस। अभी लाइट भी कटी है, मतलब कि आप लोग सोच सकते हो। तो अभी अंधेरे में कर रहे हैं, तो आपको आई डोंट नो कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि नहीं। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, कॉमेंट करना, और जितना हो सके उतना शेयर कर दो। और चैनल पे नए हो तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना, हमारी लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।